इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट लैपटॉप फॉर कोडिंग। अगर आपको गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप चाहिए तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप में क्या क्या चीजें होना जरूरी है। कोई भी लैपटॉप जो एक अच्छे सीपीयू के साथ आ रहा है उसमें आप आराम से कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक हाई एंड स्पेक्स वाला लैपटॉप चाहिए जैसे कि गेमिंग के लिए चाहिए होता है। सीपीयू में अगर ज्यादा कोर होंगे तो मल्टीटास्किंग में हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने एएमडी के सीपीयू वाले लैपटॉप को सिलेक्ट करा है। प्रोग्रामिंग के लिए जीपीयू की नीड है या नहीं है, अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की नीड बिल्कुल भी नहीं है। जीपीयू की नीड सिर्फ उनको है जो डीप लर्निंग या फिर गेम डेवलपमेंट करते हैं, बाकियों के लिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड इनफ है। अब बात करते हैं कि रैम कितनी चाहिए। 8GB, 16GB, 32GB, 8GB से पूरा काम चल जाता है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ 16GB मल्टीटास्किंग के लिए। बहुत सारी फाइलें कॉपी वगैरह करनी है तो इसीलिए मैंने जो लैपटॉप सिलेक्ट करे हैं उसमें आपको 16GB देखने को मिलेगा। 16GB रैम से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 8GB से आपका काम प्रॉपर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टोरेज की, SSD या HDD। HDD मत लेना, SSD बेस्ट है क्योंकि वो थोड़ी फास्ट है। कितनी स्टोरेज होनी चाहिए, 512GB। वैसे मैंने कोशिश करी है 1TB तक मैं आपको स्टोरेज दे पाऊँ, लेकिन एक ही लैपटॉप मुझे ऐसा मिला है, बाकी में सब में 512GB SSD है क्योंकि बजट रेंज में इतना ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, जो सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि प्रोग्रामर ज्यादातर टाइम डिस्प्ले से ही तो इंटरेक्ट करता है और जो कोड है, जो टेक्स्ट है, वो काफी छोटा होता है। मैंने ज्यादा रेजोल्यूशन का डिस्प्ले सिलेक्ट करा है ताकि आप क्लियरिटी से देख सके। उसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड की, तो जो प्रोग्रामर है वो ज्यादातर जो है वो कीबोर्ड से इंटरेक्ट करता है, तो कीबोर्ड अच्छा होना चाहिए, एक बिल्कुल कंफर्टेबल कीबोर्ड होना चाहिए। वैसे आप एक्सटर्नल कीबोर्ड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उसे आपको कैरी करना पड़ेगा और जहां पे आप वर्क करने वाले हैं वहां पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, लेकिन वहां पे अगर कम स्पेस है तो आपको लैपटॉप का ही कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा, तो एक कंफर्टेबल कीबोर्ड होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वेबकैम। वेबकैम भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर मीटिंग वगैरह करनी है, अच्छा वेबकैम आपके पास होना चाहिए। और ये देखा गया है कि जो राइजन का सीपीयू होता है ना, वो बैटरी के ऊपर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है कंपैरिजन टू इंटेल। तो आप हर बार चार्जिंग से कनेक्ट करके काम नहीं कर सकते हैं, बैटरी के ऊपर काम करना है तो फिर राइजन का सीपीयू ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे एप्पल की M1 चिप भी बैटरी के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस देती है, वो तो बैटरी के ऊपर वीडियो एडिटिंग में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें। अगर आपको आईफोन के लिए, आईपैड के लिए ऐप डेवलपमेंट करना है तो आपको मैक ओएस की तरफ ही जाना पड़ेगा, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आता है विंडोज और लिनक्स, तो आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको किसके तरफ जाना है। ज्यादातर प्रोग्रामर जो है वो लिनक्स को ज्यादा पसंद करते हैं। पहला लैपटॉप है HP पवेलियन एरो। इसमें राइजन 5 5600U, 6 कोर है और 12 थ्रेड्स है। 16GB रैम, 512GB SSD, 13.3 इंच की डिस्प्ले है, 1920x1200 रेजोल्यूशन है, 400 nits की ब्राइटनेस है और 100% sRGB है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 भी है और जिसका वेट है ना 1 kg से भी कम है, 970 ग्राम है। 43 वॉट आवर की बैटरी है। थिन एंड लाइट कैटेगरी का काफी अच्छा लैपटॉप है ये। सेकंड लैपटॉप है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 5 प्रो। इसमें राइजन 7 5800U सीपीयू है, 16GB रैम, 512GB SSD, इंटीग्रेटेड रेडियन AMD ग्राफिक है, 14 इंच का 2.2K QHD डिस्प्ले है, 300 nits की ब्राइटनेस है, 100% sRGB है और लैपटॉप का जो टॉप पोर्शन है वो एल्यूमिनियम का है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 और 1.38 kg वेट है। नेक्स्ट लैपटॉप है लिनोवो आइडियापैड 5 प्रो। इसमें AMD राइजन 7 5800U सीपीयू है, 16GB रैम है और 1TB SSD है, तो इसमें स्टोरेज की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 14 इंच की 2.2K QHD डिस्प्ले है, 300 nits की ब्राइटनेस है, 100% sRGB है, 56 वॉट आवर की बैटरी है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 1.38 kg का वेट है। नेक्स्ट लैपटॉप है मैकबुक एयर। ये एप्पल M1 चिप के साथ आता है, 13.3 इंच की डिस्प्ले है, 8GB रैम है, 256GB SSD है और मैक ओएस की ये खास बात है कि वो कम रैम में भी अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि ऑप्टिमाइज इतने अच्छे से करा होता है। कैमरे की क्वालिटी भी काफी बढ़िया मिलेगी, इसमें आपको टच आईडी भी है और सबसे अच्छी बात है इसकी बैटरी की कोई चिंता नहीं है, पूरे दिन बैटरी चल जाएगी। और मैकबुक के जो स्पीकर होते हैं ना वो कमाल के होते हैं, तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। इसमें रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। 1.25 kg का वेट है, एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आता है, तो बिल्ड क्वालिटी तो सॉलिड है ही। नेक्स्ट लैपटॉप आता है एसर स्विफ्ट एक्स। इसमें राइजन 5 5600U 14 इंच का डिस्प्ले है, 300 nits की ब्राइटनेस है और 100% sRGB है, 16GB रैम, 512GB SSD और साथ में RTX 3050 ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिलता है, 59 वॉट आवर की बैटरी है, साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, 1.39 kg वेट है। इस लैपटॉप को आप वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड GPU देखने को मिलता है। इन सभी लैपटॉप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे लिंक के थ्रू बाय करना, उससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई डाउट है तो
आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ। अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो वहाँ पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी सबको रिप्लाई करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।